जय जिनेंद्र। मित्रों, आज हम रत्नकुक्ष माता और वीर बेटे का एक ऐसा भावुक दृश्य देखने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें अश्रुओं से भर जाएगी। मित्रों, जैन धर्म में त्यागमय संयम जीवन को सर्वोच्च माना गया है। आज हम देख रहे हैं 11 वर्षीय बालक और उनकी माता श्री को, जिन्होंने संसार के समस्त मोह, राग, द्वेष एवं सांसारिक जीवन के सुखों को ठुकराकर संयम अर्थात दीक्षा ग्रहण कर ली है। दीक्षा लेने से पहले रत्नकुक्ष माता और उनके लाडले वीर बेटे के भावुक दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें आंसुओं से भीग गई। मित्रों, इन दोनों जिनशासन के वीरों के लिए कमेंट्स में अनुमोदना जरूर लिखना। 11 वर्षीय मुमुक्षु श्री रिदान कुमार एवं उनकी माता जी मुमुक्षु श्रीमती स्वीटी बहन सूरत में दीक्षा ग्रहण कर दोनों माता और पुत्र पूज्य साधु और साध्वी जी भगवंत बन गए हैं। मित्रों, धन्य है वह भाग्यशाली श्रावक जिन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को दीक्षा की स्वीकृति प्रदान की। एक पिता की ऊंचाई और महानता का उत्कृष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं। पिता ने अपने 11 वर्षीय पुत्र और अपनी जीवन साथी धर्मपत्नी की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें हंसते हुए दीक्षा विदाई दी। धन्य है यह भाग्यशाली परिवार जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र और माता जिनशासन को समर्पित किए हैं। दीक्षा ग्रहण कर पूज्य साधु साध्वी जी बनने वाले पुत्र एवं माता श्री की बारंबार अनुमोदना। दीक्षार्थी अमर रहो। दीक्षार्थी की जय जयकार। जिनशासन की जय जयकार। धन्यवाद। रजो हरण वह राव गुरुवर आज आखे पानी छे। रजो हरण वह राव गुरुवर आज आखे पानी छे। आपु साथ दिल नो टुकड़ो आपु साथ दिल नो टुकड़ो जाड़व जो है स्वामी रे। संयम सगपण साचू हो गो लईने नाचू के। संयम सगपण साचू हो गो लईने।